सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। टाइम 8:30 हो रहे हैं और जो कैंप वाला भाई, भगवान कसम, सुबह 6 बजे तक अलार्म की तरह बज रहा कान पे। सर खड़ा हो जाओ, सर नो कर दो, सर उठ जाओ, सर पानी आगे गर्म, सर ये मुकसर के सिरे फोड़ दो, सो जान भी दो। है पानी गर्म आ भी नहीं नहीं है ये हमारी पार्क थी यहाँ पे, और ये सामने पेंगोंग लेक, और सामने कर रहे हैं वो लोग कैंपिंग। ठंडा होटल में से खून आ रहा है, दर्द हो रहा है। और भाई रात को जब वापस कैंप आए थे, ये है कैंप अपना, ये वाला हमने लिए थे यहाँ पे 4 कैंप, और सो एक में गए क्योंकि रात को आए। अब रात को नहीं पता लगी कौन सा कैंप खाली है, कौन सा ना है, हम देख के नहीं गए थे। कैंप है, हाँ ठीक है, अब बोला उसको पता नहीं चला, एक कैंप खाली बस। पहले 2 छोड़ के बाकी सारे अपने थे, पहले 2 छोड़ के वो किसी और के थे। अच्छा भाई पता नहीं, भाई पता ही नहीं था, हमने रात ने जान के वो हम हर बोल ना खुली सारी चैन बंद थी, मगर यहां का जो किसके 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 टेंट में, हां किसके लेडी लेडी, 4 अपने, 1 2 3 4। अब के फायदा भाई यार थे इसमें, हम थे और ये दोनों थे, और ये दोनों किसी और के थे। निकोलस सर अलग पड़े, निकोलस वहां पड़ो भाई साहब, अगर पकड़ लेने कहीं ना कहीं रात को जहां पेंगोंग लेक पे पिट तो बहुत बुरे लगेंगे, सांस और चल जाए, मगर रात को बदल गई। हम तो 1 मिनट का वहां ठाम साले मार वाला था, हम कटकटिया में देख लो कैसे सबसे पहले उठता हूँ भाई, मैं तो भाई ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है bootmo.com से। bootmo.com इंडिया का बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट है, जहाँ पे आपको छोटी गाड़ियों से लेकर बड़ी गाड़ी के स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको भी अपने गाड़ी के पार्ट चाहिए, लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। ये अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है और ऐसे व्यू के साथ। सर सर खड़े हुए, सर पानी नहीं आ रहा सर, मतलब सही है यार, बहुत अच्छा लगा करके, जो ठंड लगी है रात, ओए होए मस्त नहीं नहीं भैया पास्ता मिल जाएगा, भैया पास्ता मिलेगा, पास्ता खिला दो, राम राम कर लो सारे भाइयों। कैसा रहा 3 बजे? 3 बजे गले से लग रहा है। और पता है वो क्या हो रहा है, सुबह से वो अलार्म की तरह, सर 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 हो गया, वो पानी गर्म आएगा, सर उरे पकड़ो, टैक्सी वाले का अलार्म बजना शुरू है भाई। क्या आदमी है यार, सुबह सुबह टसोल शुरू करती है। अरे यार इनवाम पता नहीं क्या, टों 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 टों, 6 बजे मैं तो पत्थर पत्थर लेके मैं चल गया हूं साले। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा रात का? थार बहुत बढ़िया रहा, तुम तो जय पूरी बढ़िया, तेरे नींद ली पूरी, हम तो रात को कैंप खोलने डर रहे। हमने तो नाइट शॉट लिए ना, इतने बढ़िया बढ़िया हमारे देखना तारे हैं और बढ़िया है। अरे रात को सुनो, भाई ने चाय बनाई है। वैसे सुनो भाई एक बात बोलूं, कैंप वाले से तो बढ़िया चाय है, हाँ भगवान बहुत ज्यादा अच्छी, नहीं नहीं सच में बहुत तगड़ी है। अब ये नहीं पता कब एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे सुरेश भाई का काम है टेंट का, भाई कैसे कैसे क्या क्या सीन है भाई? भाई कुछ नहीं यार, कहीं भी खोल के बैठ जाओ, सो जाओ, पका लो, खा लो। भाई रात तो यहीं रुके, भाई ने 6,000 रुपए बचाए अपने, भाई मजे आ गए। मैं तो हमें नहीं आई बट ठंड लगी है, हमें बिल्कुल ठंड नहीं लगी, मैं सोया बिल्कुल। अंदर अगर देखो तो सीधे दुबई जाके चढ़ के देखो, क्या एक्सपीरियंस है भाई। कटारिया तेरी गाड़ी पे मजे है, अंदर मेरी गाड़ी के ऊपर लगवाऊंगे। हां तू तो वैसे तो कुछ मानना ही, जोर भी ना मानना तेरा तो। और ये तो ऐसी चीज है जहां दिल करे वहां रुक जाओ। अरे हम तो 4-4 सो गए थे वहाँ, हम तो 4 बैठे थे, कारोबार कर रहे थे, गोंडो रंजन वहाँ पे बहुत तेज चल रही हवा, तो बाहर बैठ नहीं सकते थे, तो अंदर चढ़ के चारों अंदर लेट लिए भाई, अंदर ही बातें चल रही है, खाना पीना चल रहा है। वैसे हमेशा मैंने विकास की वीडियो में देखा है भाई, ये भाई एक्सपीरियंस देखते हैं आज, देखो कैसा अभी तक भाई सीढ़ी का करके इधर ना सीढ़ी सही है। अरे चाय 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 होता नहीं, मैं वैसे देख रहा हूँ, ओरा भाई बहुत बड़ा है तू, ओए तेरे तेरे बात बड़ा रहा हूँ, मेरे बेड से बड़ा है ये, छोटा वाला है इससे बड़ा था ये छोटा है। हाँ, इससे बड़ा वाला जो बड़ी गाड़ी में 4 आदमी की सोने की जगह है, इससे और बड़ा है वो, ये सबसे छोटा वाला है जो 500 में लगती है ना, हाँ हाँ वो बड़ा है। हाँ। ओके तुम्हारे पे बड़ा लगेगा मतलब मेरे में लग जाएगा? अरे अरे उस पे तो तेरे लगा दिए हमने फॉर्च्यूनर पे, तो फिर लगवा दो, फिर मैं लगवा के पड़ेगा, फिर एक बाथरूम की दिक्कत है थोड़ी सी ना। हाँ
आप ऐसी जगह पे कैंपिंग करो जहाँ पे कोई ऑलरेडी टेंट्स हो, सिर्फ उसको पार्किंग के 500 रुपए दिए, ओके ठीक है, और उसका वॉशरूम यूज करने के लिए बोल दिया और अपना जो है ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, खाओ पियो बनाओ बढ़िया, खेलो पेलो अंदर कुछ भी करो, वॉशरूम का खेल है भाई 10 मिनट का, 10 मिनट के चक्कर में अपने बाकी 24 घंटे के मजे क्यों छोड़ो, बिल्कुल भाई ऐसी लोकेशन, ये अलग एक्सपीरियंस है भाई सबसे बेस्ट, देखो ना पानी के कितना पास है यार, पानी सिर्फ पौधों के लिए है भाई, खारी पानी बिल्कुल, चाइना में जो है ना वो मीठा पानी है पैंगोंग लेक का ही, बट इंडिया में शायद खारा पानी नहीं भाई, ये खारा मैंने तो बनाया हूँ उसमें अरे विकास भाई, तो भाई अभी फिलहाल सुरेश भाई ने पियाई हमें ब्लैक कॉफी, और विकास भाई ने एक चीज बोली है कि अब मंद भर गया, अब गाना याद आना, हो गई जब हालत कड़की, याद आने लगी फिर घर की, बोतल का ढक्कन खोला कसर मिटा दे जिंदगी भर की, सही कह रहे भाई, सही बात है सुरेश भाई, सही कह रहा हूँ, घर का बेड मिले, घर का वॉशरूम शावर, बिल्कुल मतलब, बट यार फिर ये तो नहीं चीज नहीं मिलेगी ना, ओ टिकटॉक रहो, ओ टिकटॉक रहो, लग रहा है मैं कैसे भी हुआ यार, हैं आगे आजा अंकल, कैसे मत आया, सांस ना रहो, अरे यार तू पिंक बहुत अच्छा लग रही, मार्क्स तेरे, बैकग्राउंड खाली करना जरा, किसका, इनका 68 से, दिखा बैकग्राउंड देखिए, बहुत अच्छा था, रेडी हो, रेडी है, क्या चल रहा तेरा, सब चल रहा, सांस नहीं चल रही, सांस चल रही है, हुक्का पी ले बैठ भाई, भाई साहब बना रील, बना रील कितने बना दी, एक ही बनी, दो, अरे रहने दे मेरे जूते गिल होगा, चार मैंने वो भी तो करा अपना, अच्छा काम साफ करने का, नदी टेंट हो चुका है ना बिल्कुल पैक, भाई मुश्किल से 15 मिनट में भाई ने पैक कर दिया, सुरेश भाई नेक्स्ट टाइम मेरे पे चढ़वा दो, अरे बिल्कुल, पर नहीं चढ़वा दे जब, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए भाई, भाई आप लेके जाओगे ना, आप लेके जाओ चंद्रताल, हम जब मैं गया हूँ, हाँ बस ठीक है फिर, मैं आपकी मेरा। बस इसकी छाती भी चढ़वा दो, ठीक है डन, एक बार ट्राई करके देखते हैं हम भी कि कैसा आता है, कैसा बहुत, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सेक्सी लोग आ गए, यूसीबी भाई वाह, बॉडी देखो बॉडी भाई, कुछ कुछ सलमान खान वाली फील आती है, बिल्कुल भाई, है ना, गंजा सलमान खान, कौन गंजा सलमान खान, तो हुआ नहीं था आज तक ना, हुआ था, क्या बात कर रहे हो, राधे वाली कौन सी पिक्चर थी, राधे तो थी, तेरे नाम घर वाले ने देखा है तो कल देख रहा है, ऐसी बात करता मैं, हाँ बताओ क्या हाल है, अच्छा एक बात बताओ मनोज भाई, फिर जब चलते होगे तो आगे कोई रास्ता बताता होगा, एक काम कर ब्रेक कर, आगे ब्रेक कर, लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेना है, तो भाई फिलहाल निकल लेते हैं यहाँ से, सब रेडी है, और जो भी यहाँ पे भाई कैंपिंग के थे सब साफ कर दिया है, कुछ भी चीजें नहीं छोड़ी यहाँ पे, अब निकल लिए हम हानले के लिए, हानले का डिस्टेंस यहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास है, 9 से 10 घंटे दिखा बता रहे हैं, मतलब ये गूगल दिखा रहा है 6 घंटे पर, गूगल का विश्वास नहीं करते, गूगल ज्यादा भी दिखा देता है कम भी दिखा देता है, गूगल को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हाँ ये है, और गूगल का जो रास्ता है वो अलग है, हमें चिसुल से रास्ता फटेगा जो कि हमको जाना है हानले, तो अब सीन ये है कि हानले पहुंचने में कितना घंटा लगेगा कितना, वो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगा, भाई बहुत सारी रील बनाई है, बहुत सारी फोटोज खींची है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना @ और IG2OP बंदी भाई, ये बहुत बड़ा हुआ गेमर है, मींस बहुत तगड़ा गेम खेलता है पबजी, तो भाई ये है मेरे लिए नया रूट, इससे आगे मैं नहीं गया, मान विलेज पीछे रह गया है, और मान विलेज से हम जाएंगे चिसुल, और चिसुल में चाहिए हमको डीजल, मतलब मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी भी रेंज दिखा रही है 400 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी मेरी गाड़ी, और सब गाड़ियों में डीजल कम है, तो भाई ये प्रॉब्लम है विकास भाई की, अभी गाड़ी में डीजल कम है, तो कह रहा था भाई डीजल लगा ले, अगर हमें डीजल मिला तो हम हानले जाएंगे, अगर हम डीजल नहीं मिला तो हम वापस आएंगे, क्योंकि देखो इतना रिस्क नहीं ले सकते हानले, यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, अब सबकी गाड़ियों में रेंज है जो 300 किलोमीटर के आसपास, फिर वापस आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और रेंज आपको पता है जो रेंज दिखाते हैं एग्जैक्ट गाड़ी उतनी चलती नहीं है, या तो कम चलती है थोड़ी बहुत उससे, और ऊपर से पहाड़ का रास्ता वैसे तो एवरेज कम ही निकालेगी गाड़ी, देखो पैंगोंग का सीन ही अलग है भाई, जितनी हम आगे चलते जा रहे हैं उतनी ही खूबसूरती होती जा रही है भाई, अलग ही सीन है इधर का, sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out and it hurts every time, with all the emotions I built up inside, oh why can't I. तो भाई फिलहाल हम
कौन सा विलेज है? पहले मेरे को सुसु करना यार, यहीं पे रख दो भैया, रख दो। चुस्पा है और यहाँ प्रॉब्लम हो गई डीजल की, पर भाई के पास इतना डीजल है बहुत डाल देंगे। चिशुल में चलते, चिशुल में मिल जाएगा ना। अरे चिशुल चलो 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 भाई, विकास भाई रुकना नहीं है, आप नहीं रुकोगे भाई, रुकना मत अभी, चल भाई झूले। भाई सीन तो बहुत कड़ा हो गया है, देखो अपनी गाड़ी तो घूम के नहीं पहुंच जाएगी, बट बात है देखो सब अगर ग्रुप में आए तो ग्रुप को साथ लेके चलना है। टैनिंग हो गए काले होली, हम तो जब आए जब तो भाई कति गोरे चिट्टे, अब काले होली। अच्छा ये चीज छोड़ो, अब चिशुल में डीजल मिलेगा या पेट्रोल मिलेगा? एक तो हमारे साथ जो जीप कंपास है वो पेट्रोल है, हमारी और सबकी गाड़ी डीजल है। अगर इनके साथ हान लेने का प्लान कर रहे हो और आपकी गाड़ी रेंज कम दिखाती है तो भाई डीजल अपने साथ कैरी कर लेना, क्योंकि बेस्ट वही रहेगा। क्योंकि जो यहाँ पे डीजल होता है वो बोल रहे कि मिक्स होता है, आपकी गाड़ी का इंजेक्टर होते जो खराब डीजल डालने से वो बैठ सकता है और जहाँ पे आपकी गाड़ी कहीं भी रुक सकती है। तो सबसे मेन चीज ये है कि प्लीज डीजल अपना लेके चलना। अगर आपके पास फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर देखो कर जाएगी सर्वाइव, मेंबर को पता है फॉर्चूनर हालने तक घूम के वापस आ जाए, क्योंकि फॉर्चूनर का टैंक बड़ा है और इसकी एवरेज भी अच्छी है। तो पिछले 5 किलोमीटर से हम ऑफ रोड पे ही चल रहे हैं भाई। रही बात पेंगोंग लेक की, तो भाई ये तो और सुंदर होती जा रही है, जितने आगे आगे चलते जा रहे हैं उतनी ही मतलब अलग ही लेवल पे है यार ये। अच्छा हमने जो ये रास्ता लिया है, एक रास्ता ऊपर से भी जाता है जो कि आपको दिख रहा होगा। अब ऊपर जाने के लिए रास्ता कैसे करना पड़ेगा वो हमें देखना पड़ेगा, मेरे को चढ़ानी पड़ेगी ऊपर गाड़ी। अब ऊपर का सीन क्या है क्या नहीं है, तो फिर ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा इसी रास्ते से, बट ऊपर जाके चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी वो थोड़ी प्रॉब्लम है। भाई सारी गाड़ियां खड़ी है वो, और मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर से रास्ता अच्छा है जो कि एक गाड़ी जा रही है। मैं रास्ता देखने जा रहा हूँ, मगर यार मेरी बुरा पास क्या था। हाँ मतलब 4x4 है, तो मगर मैं एक बार देख के आ जाता हूँ, अगर गाड़ी वहाँ पे चढ़ी गई तो मैं पासिंग मार दूंगा गाड़ी की, तो लाइट ऑन कर दूंगा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ रास्ता है गया, अगर नहीं होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा फिर यहाँ से। तो भाई क्योंकि इनका ना जो आधे लोग उनके भाई थोड़ा सा गाड़ी को लेकर, देखो कैसा पटाई पट की आवाज आ रही है पत्थर नीचे से, गाड़ी को पासिंग मार के उनको बता रहा हूँ कि भाई आ जाओ। वो खड़े है वहां पे, देखो कितनी दूर है वो, देख रहे हो? लेजेंडर भी मुश्किल है, 4x4 मैंने तो अरबल भी मेरी तो जब आया था ना बिल्कुल होता, मैं तो फिर इसलिए घुमा घुमू कर चढ़ा कर कर से चढ़ा। हाँ एंगल बनाया था मैंने, हाँ वो अरे सही रहा। मैं पहले कह रहा था अगर आप नहीं निकलते ना तो रास्ता था, मैं बोल रहा था ना क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, मगर यार रोड है क्योंकि हम नीचे नीचे, ये गूगल तो नीचे नीचे दिखाता है, और ये गूगल पता है, गूगल पता क्या है ऐसी है दूसरी जगह ले जाएगा। अच्छा हाँ, फिर वहां से आर्मी वाले वापस भेजते हैं, कोई 7-7 किलोमीटर के आसपास है। हाँ भाई मैं कह रहा था ना, क्योंकि उसने जो मेरा कैंपर वाला मिला था ना उसने भी अपना टन लेके रुक, वाह वाह चढ़ गई, वाह वाह ऑल द ड्राइव चला। Cause there will be a time